नमस्कार दोस्तों, स्वाद अनोखा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, होली आ रही है और हर बार की तरह वही नमकीन भुजिया और सुवाली बनाते बनाते हो गए हो बोर, तो अब की बार बनाइए कुछ हटके। जी हाँ, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कच्छ गुजरात का फेमस पकवान। सबसे पहले मैं ले रही हूँ एक परात में 650 ग्राम मैदा, उसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, एक चम्मच काली मिर्ची पाउडर, एक चम्मच अजवाइन को हाथ से क्रश करके, और मोइन के लिए 4 बड़ा चम्मच देसी घी डालेंगे और इन सबको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, मोइन अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक डो तैयार करेंगे। डो लगकर तैयार है दोस्तों। ये ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। अब इसे 10 मिनट रेस्ट के लिए रखते हैं। जब तक डो रेस्ट कर रहा है तब तक बनाते हैं साटा। इसके लिए एक बोल में 3 चम्मच चावल का आटा और 5 चम्मच देसी घी डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। साटा बनकर तैयार है। अब बनाते हैं पकवान। डो को लगभग 10 मिनट हो चुका है और ये अच्छे से सेट हो चुका है। अब दोबारा मलाड़ लगाकर इसकी लोई बनाएंगे। मैंने 6 लोई सेम साइज की बना ली है और बाकी का डो ढककर रख दिया है। अब इसे रोल आउट करेंगे। देखिए, मैंने पतला पतला बेल लिया है। अब इसे एक प्लेट पर रखेंगे और इसी तरह दूसरी लोई को भी रोल आउट करेंगे। और सूखा मैदा लगाकर रखते जाएंगे। इसी तरह 6 लोइयां बेलेंगे। देखिए, 6 लोइयां मैंने बेल लिया है। अब एक रोटी लेंगे और उस पर अपना बना हुआ चावल का साटा फैलाएंगे। आप ब्रश से भी फैला सकते हो, लेकिन मैं हाथ से ही इक्वल फैलाऊंगी। ऊपर से सूखा मैदा डस्ट करके दूसरी रोटी रखेंगे। यही प्रक्रिया 5 बार करेंगे। छों रोटियां मैंने सेट कर ली है। अब इसको इस तरह रोल करेंगे।
अब इसे इस तरह कटिंग करेंगे। देखिए रोल की कटिंग कर ली है। अब चौकी पे थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट करके इस पेड़ी को बेलेंगे। देखिए मैंने इसे बेल लिया है। अब पिज्जा कटर की मदद से बारीक बारीक स्टिक शेप की कटिंग करेंगे। आप चाकू की मदद से भी कटिंग कर सकते हो। अब सारे स्टिक इस तरह रोल करके दोनों साइड में पानी लगाकर इस तरह रोल करेंगे। देखिए पकवान तैयार है। मैं एक और करके दिखाती हूँ। सारे पकवान बन चुके हैं। अब करते हैं डीप फ्राई। दोस्तों तेल मीडियम गर्म ही होना चाहिए। देखिए पकवान गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब तेल से बाहर निकालते हैं और इसी तरह सारे पकवान बना लेंगे। पकवान खाने को तैयार है। तो इस होली पे आप भी बनाइए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें।